राय राधिकाई तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो गुरु गौरांग राधा रमन बिहारी जी की ग्रवे गौरचंद्राय राधिकाई तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम गुरु गौरांग राधा रमन बिहारी जी की जय। मेरे गुरुदय नित्य लीला प्रविष्ट परमारद्धतम त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस परिव्राज नारायण गोस्वामी महाराज उनके दिनों के युगल चरण कमल में अनंत विशिष्ट दंडवत प्रणाम करते हैं पूज्यवाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज अन्य वैष्णव सज्जन सभी के चरण में यथा जन्म अभी मथुरा परिक्रमा आज जो चार्ट के अनुसार श्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे मथुरा और बाकी और कई सब गृहस्थ घर में प्रोग्राम रखा है वो सब प्रोग्राम में अटेंड। कल हमारे श्रीधर महाराज जी बता रहा था मथुरा की कितनी महंगा है, धन्यवाद महाराज आइए। तो ये हमारे गुरु महाराज जी जो ब्रजमंडल परिक्रमा निकाली है किताब बहुत ही सुंदर है। इतनी सुंदर ग्रंथ है गुरु जी ने दिया है। ब्रज रसिक नहीं होने पर वो ग्रंथ नहीं निकल सकते, एकदम उस ग्रंथ में ए टू जेड वर्णन किया है कहाँ क्या है और वहां की महिमा सब वर्णन। इससे पहले इतने सुंदर ग्रंथ मैं तो देखा रही। तो वहां पर हमारे भारतवर्ष में कृष्ण पैदा भी होते हैं, भगवान जो लीलाएं होती है कहां पर भारतवर्ष में, लेकिन असुर भी तो पैदा होता है ना, असुर भी पैदा हो रहा है और भगवान भी पैदा, इंसान भी पैदा। तो बोलते असुर पैदा करने क्या जरूरत है ना, तो भगवान इच्छा मात्र से खत्म हो जाता है। बोलते ये लीला, उनके लिए लीला है करने के, लीला पुष्टि करने के लिए असुरों की जरूरत है। बोले गोलोक वृंदावन में ऐसा असुरों का स्थान नहीं है, नाम मात्र है। यहाँ पर असुर नहीं आएगा तो डर किससे रहेगा, भगवान भी जल्दी आएगा भी नहीं,
भगवान कभी गीता में बताया ना, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदुत्थानम्। पवित्राणाय साधनं विनाशाय तदुत्थितं धर्म समस्तपनार्थाय संभवामि जिते। धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। और क्या कारण देखा है? साधु को पवित्र, माया का प्रभाव है। ये मैं और मेरे में जो पड़े हुए हैं ये सभी असुर है। गीता में बताया कि एक दैवी भाव संपन्न लोग रहते हैं और आसुरिक भाव संपन्न। आसुरिक भाव संपन्न मतलब क्या? असुर है। असुर काले हैं, गोरे हैं, लंबा है, छोटे हैं, वो डिपेंड नहीं करते। डिपेंड करते उसके अंदर क्या भाव है। इस संसार भगवान ने जो रचाया है, इस रचाया असुर क्या करना चाहते हैं? उसको छीन के लेना चाहते हैं, छीन के लेके भोगना चाहते हैं, वो असुर है। चाहे वो गोरे हैं और जो सुंदर है चाहे सुंदरी है, जब भोग वृत्ति है तो वो असुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताया, जिसब जीवेर भगवान से उपजिल पुरुष भावते जड़े पुरुष। जब भी हमारे अंदर भोग की इच्छा होती, ये चीज़ मेरी है, मैं इसे खाऊंगा पीऊंगा जो कुछ करूंगा मर्जी, तो यही ओसरी आसरी। शशिकला अंडरस्टैंड? हाँ, शशिकला पंडित है। शशिकला समझ गई तो बाज मानो पूरा दुनिया समझ गई। तो एनीवे ऐसी बात, तो कंस टीला भी वहाँ पर है जहाँ हमारे मठ के बगल में। आप लोग गए थे ना मथुरा में? तुम भी गई मथुरा में? जो नहीं गई तो चल जरूर जाना। महाराज जी वृंदावन से, मैं जब मथुरा में था पुजारी द्वादशी के भिक्षा लिख के लिए आते थे वृंदावन महाराज जी और ब्रह्मचारी लोग लेके। तो मथुरा वृंदावन यही है बगल में, बहुत आनंद आता था उसका। गुरु जी जब थे तो वहाँ पे कंस टीला भी है, रंगनाथ रंगेश्वर महादेव, जहाँ पे चाणूर मुष्टिक को मारा, कंस को मारा है, वही वहीं है पास। इसलिए भाई दिल्ली वालों को यही, इसलिए तो हम टूर निकालते हैं। ये पास में ही रहते लोग कहाँ विदेश से हजार लाखों रुपया खर्चा करके आते हैं, हैं? शशिकला कहाँ से अभी यहाँ हमारे इंडियन डिवोटी बन गए, परमानेंट रेसिडेंस। और यहाँ दिल्ली रहती है, थोड़ा सा मथुरा वृंदावन जाकर के तीन चार दिन, कम से कम पाँच छः दिन लगेगा एक मथुरा में दर्शन करने के। फिर वृंदावन में वहाँ पूरा दर्शन कर, छः दिन सात दिन पूरा दर्शन करेंगे तभी हमारा जीवन सफल है ना। ये परिक्रमा करने का मतलब क्या है? मतलब यही है, जिस स्थान के बारे में जानना, भगवान की लीला उनकी महिमा सुनना। जब आप सुनेंगे तो दूसरे को बोलेंगे, आपका जीवन कितार्थ हो जाए। मनुष्य जन्म पा करके इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो आइए कथा में। तो उन्होंने क्या किया, उस रंगस्वर में रंगशाला में ही वो चारुण मिष्ट को भी मारा और कंस को भी मारा। ये लीला, ये सब कथा आप लोग जानते हैं, महापंडित है। और उसी रंग को देखकर शिव जी बड़ा प्रसन्न है, कितक कितार्थ हो, इसलिए उनका नाम हो गया रंगेश्वर महादेव। श्री कंस उनको पूजा करते थे। उनकी एक देवी है काली माता, कंकाल, कंस काली भी बोलते हैं कोई, वो भी वहां पर ही विराजमान। देखो ये लोग देव देवता के भक्ति करने से फल क्या निकला, शिक्षा की बात है ना। भगवान कृष्ण अखिल जगत के गुरु हैं, तो जो भी कुछ करते हैं वो उसके पीछे शिक्षा है।
इसका मतलब देव देवता की जो भी भक्त हैं, जितनी बड़े महान हो, अंतिम में क्या होगा, वही भगवान ही मारेंगे उसको। क्योंकि तभी भागवत में बताया, कर्म में, ज्ञान में, योग में, ये जो भी पढ़े हुए हैं, इनकी किसी की भी बुद्धि शुद्धि नहीं है। कर्मकांड ज्ञान कांड सभी विशेष भंड अमृत बलिया जेबा खाए और जीवन तार अधोपत जाए। इसलिए अभी भी समय है इस भक्ति में, भक्ति करनी अच्छा आचरण करनी चाहिए। किस किसी को पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है। जो चीज भगवान के लिए हम करते हैं वही भक्ति। भगवान अभी महाराज जी सुंदर राय रामानंद संवत समझा रहे हैं, इसी के बोला कर्म में, संसार में सब लोग कर्म कर्म करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन भैया याद रखना कर्म में कभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं है। जो बोल रहे उसका भी उद्धार नहीं है, जो कर रहे वो उनका भी उद्धार नहीं है। उद्धार भक्ति में, और तभी कर्मी लोग भी भगवान का नाम लेते हैं कब, आखिरी दिन, कि उसी समय भी कर्म करते राम नाम सत्य। हाँ, राम नाम सत्य गोपाल, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारी कुछ होने वाला नहीं है। आखिरी दिन मानते हैं वो लोग। अरे यार पहले ही मान लो ना खेल। तीस है, बहुत सारी लीला हुई है, सुंदर है मथुरा धाम। और महाराज जी ने जो बताया, जो संकल्प किया छूट गया, व्रत करते करते छूट गया, पूरा नहीं कर पाया, मथुरा धाम क्षमा कर देती है मथुरा देवी, लेकिन और कोई धाम क्षमा नहीं करे। इसलिए तभी वहाँ पर परम गुरुदेव श्री केशव गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ पे मथुरा में ही वहाँ पे मठ स्थापना किया, वृंदावन में भी किया रूप सनातन। इसलिए और मथुरा में बताया था एक दिन वास करने से उनकी प्रेम भक्ति बोला, मथुरा देवी की, मथुरा धाम परिक्रमा की, ब्रजमंडल परिक्रमा करी भक्त वृंद की, पूज्या भक्ति श्रीधर महाराज की गौर प्रेमानंदे वंछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतिता नाम पापने भोग। हरि बोल, हरि कृष्ण, जय राधा माधव, जय कुंज
गौर प्रेमानंदे। तो तुम इधर इधर आ जाओ, सब नीचे आ रहे हैं। अरे तो तुम इधर आ जाओ, ये सामने आ जाओ। ओ मैं ज्ञान ज्ञान कृष्ण ज्ञान अंजन। आप क्या इधर बैठे, आप इस इधर बैठे। ओ मैं ज्ञान साइड लग पीछे लग साइड ज्ञान अंजन सलाह किया चक्षुर लिखा मुझे न तस्मय श्री गुरवे नमः गुरवे गौर चंद्राय ठीक है ठीक राधिकाय स्थानालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीसहगविगणक श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभार्गसुते देवी प्रणमा तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सुलभ नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पा के अर्पण करता हूँ। उपस्थित भक्ति वेदांत सुलभ शांत महाराज अन्य वैष्णव वैष्णव सभी का मैं यथाजुक्त प्रणाम कर रहा हूँ। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री राय रामानंद संपाद है, जिसमें श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं श्री राय रामानंद को कह राय साधर निर्णय बोले श्री राधा रमन लाल की जय। बोले कह राय साधर निर्णय, इसलिए कहते जीवन का लक्ष्य क्या है और साधन क्या है। तब उन्होंने सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्म से ही प्रारंभ किया है, क्योंकि जब तक जीव ये भगवान स्वयं बोले चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से ये संसार धीरे 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 भगवान तक पहुँचे कैसे है, कैसे जीव अपना स्वतंत्रता को छोड़ करके वर्ण और आश्रम के अनुरूप ठीक ठीक से चले और चलते चलते धीरे 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 भक्ति जगत में उन्नत हो और एक दिन भगवान प्राप्त कर सके। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने ये दैव वर्णाश्रम को स्थापना करते हैं। दैव वर्णाश्रम को जीव को पालन करनी चाहिए और धीरे धीरे उन्होंने कैसे कर्म मिश्रा भक्ति महाप्रभु उसको कैसे बोले यह बाह्य, फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति, फिर महाप्रभु बोले ये भी बाह्य है। लेकिन जब उन्होंने बोले भक्तों का संग की महिमा जब बताए ज्ञान प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता, जब उन्होंने बताए भगवान हमें जिस स्थिति में रखे हैं उसी स्थिति में रहते हुए
भगवान की भजन करते हैं। कभी कभी होता है ना, किसको अगर बोले भजन करें, बोले अभी समय नहीं आया, अभी तो बच्चों को शादीशुदा करवाना, बेटी को भी शादी करना, अरे घर में जो बहू आ जाएगी बस, जब गर्म गर्म पराठा बना बना कर खिलाएगी, बैठ बैठ कर तो हम भजन करेंगे। लेकिन कभी ऐसे नहीं होता है, बल्कि बेटा शादी नहीं होने से पहले थोड़ा फ्री रहते हैं। जब शादी हो जाता है ना, जब बहू आ जाती है, जब बच्चे हो जाते हैं ना, बहू को छोड़कर नहीं जा सकते, और उसका नाती पुती हो गया, अगर देखा नहीं बोलिए तो डुपरा डुपरे बैठ बैठ कर खा रही, कोई काम धाम नहीं, हमारे बच्चे को भी थोड़ा देखने नहीं जाते, जहाँ तक अपने हम घूमते रहते हैं इधर उधर, इसलिए बल्कि वो उल्टा हो जाता है, है? वो उल्टा हो जाता है। इसलिए कहते हैं जिस अवस्था में रहने पर हमारी कल्याण हो, समझो भगवान अभी जिस स्थिति में रखे ये सबसे बढ़िया स्थिति है, इससे बढ़िया स्थिति कभी आ ही नहीं सकती। अगर बढ़िया स्थिति आएगी तो भगवान के भजन से बगैर भजन नहीं किए हुए नहीं आ सकते। जब भगवान की भक्ति करेंगे भगवान स्वयं रास्ता को साफ करते हैं, अपने आप भगवान रास्ता को साफ करते जाएंगे। अब देखना जितने बाधा विपत्ति वो अपने आप दूर होते जाएगी, अपने आप दूर होते जाएगी, अब भगवान के भजन करते रहते। इसलिए यहाँ पर श्री राय रामानंद कहते हैं कि क्या करो, बोले ज्ञान ही प्रयास मुद्पास्य, ज्ञान का जो प्रयास उसको त्याग। इसलिए कल हम सुन रहे थे ज्ञान एक तो तत्व ज्ञान है, बोले उसका भी प्रयास को त्याग दो, बोले तत्व ज्ञान के बगैर तो भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तत्व ज्ञान के बगैर भगवत प्राप्ति होती नहीं। बोले जब हम भगवान के भक्तों का मुखारविंद से कथा सुनेंगे, कहते कथा सुनते 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 अपने आप तुमको सारे ज्ञान की प्राप्त हो जाएगी, अलग रूप में कोई ज्ञान की चेष्टा करने का कोई जरूरत नहीं है। कहते ये एक, अब दूसरा क्या है, कहते ज्ञान दो तरह का ज्ञान, एक तत्पदार्थ एक तम पदार्थ है। इसलिए बोले तत्पदार्थ जो ज्ञान है ये ज्ञान है जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप क्या है, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वांश जीव लोक जीव भूत सनातन। कहते ये जो ज्ञान ही है ये ज्ञान तो होनी चाहिए, ये संबंध ज्ञान भगवान के साथ में हमारी होनी चाहिए। लेकिन जो जीव ब्रह्म ही का जो ज्ञान है, जीव ही ब्रह्म है, एक दिन हम जाकर वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, बोले ये ज्ञान नहीं चाहिए, इसको जरा क्या होता है भक्ति विलुप्त हो जाती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्तते तावत कृष्ण भक्ति सुतस्य कथम अद्भुत है। इसका मतलब है उन्होंने उदाहरण दिया भुक्ति और मुक्ति, भोग करने की वासना और जो मुक्ति की वासना, कैसे बोले पिशाची, पिशाची जानते हो भूत है, हैं कहते उनको ये पिशाच को साथ में उदाहरण दिया है, जैसे किसको अंदर में जैसे पिशाच जैसे घुस जाती है ना, पिशाच भूत जैसे घुस जाती है, उन्होंने उदाहरण दिया। इसलिए जीव गोस्वामी देखना जब किसी ऊपर को भूत चढ़ जाती है, भूत लग जाती है, और एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15, 20-20 आदमी का खाना खा लेगा, इतने आदमी का वो खाना खा ले, लेकिन देखना उसका जो शरीर है ना वो एकदम दुबला पतला, धीरे धीरे दुबला पतला हो जाएगा, लेकिन खा रहे 15-20 आदमी का खाना लेकिन शरीर में लगता नहीं। बोले ऐसे क्यों, बोले ऊपर से दिखता है जैसे वो व्यक्ति खा रही है, लेकिन मिलता है किसको, बोले उसको अंदर में जो पिशाच बैठा हुआ ना भूत है, वो भूत खा रहा है, वो खाना भी भूत खाता है, और इसका रक्त भी खून भी ये चूसती रहती है। कहते उसी तरह हृदय में अगर भोग की वासना अगर मुक्ति की वासना रहेगा, देखने के लिए तो लगता है हम दिन भर भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की वंदना सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सारे फल मिलता है किसको, बोले उसके हृदय में जो भोग की वासना और जो मुक्ति की वासना बैठा है ना, वो सारे फल उसको ही मिल जाता है, वो करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, वो उसको मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर बताए जो
जो ज्ञान की जो ब्रह्म एक एक जो ज्ञान है, हैं, हम जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए श्री भागवत में बताया धर्म प्रोजित कैतव अत्र, भागवत में धर्म प्रोजित, प्रोजित मतलब पूर्ण रूप में, जहाँ से धर्म अर्थ काम तो निकाल दिया है, यहाँ तक भी जो मुक्ति को भी उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तार मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान जाते कृष्ण भक्ति हयांतरते। कहते जो मुक्ति की जो वासना है ना, ये सबसे बड़े कपटता है। बोले कैसे, ये कपट कैसे है, हैं, ये कपट कैसे? बोले कपट इसलिए, जीव का जो स्वरूप है क्या, हम भगवान का नित्य सेवक हैं, लेकिन इसलिए उसको कपट कहते हैं। हमें भगवान की सेवा का कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम ब्रह्म में वास लीन हो जाए, हम ब्रह्म सत, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म, हैं, सर्वं फलेदं ब्रह्म तत्त्वमसि, हम वही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, और लास्ट में ये आत्मा को सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में वास लीन करते। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसलिए जन्म है होंगे तभी तो ये जन्म में तो चक्र में फंसना है, लेकिन बास ब्रह्म में डूब जाओ, लीन कर दो, बास सब कुछ हो गया। इसलिए इसको सबसे बड़ा कपट बताया गया। ये भक्ति नहीं, ये सबसे बड़ा ये कपट है, क्योंकि तुम्हारी जो धर्म भगवान की सेवा करना, तो भगवान की सेवा छोड़ करके तुम जा करके ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हो, ये कपट है। इसलिए कहते भक्ति से इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए भक्त लोग कहते हैं, नरक बांछे तब साजु जना चाहते, भाई भैया नरक चला जाना सही है, लेकिन मुक्ति होना, सब दुनिया चाहते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति, कहते नहीं भले हम नरक जाना चाहते हैं लेकिन ये मुक्ति हम नहीं चाहते। बोले ऐसे क्यों? बोले नरक जाएंगे ना फिर उद्धार हो जाएगा, नरक का भोग होने के बाद फिर यहीं पर जन्म लोगे, भक्तों का संग मिलेगा, फिर भक्ति कर सकते हो। लेकिन एक बार मुक्ति हो जाता है, कहते ब्रह्म साजु जिया, बोले वो ब्रह्म में जो ऊज मतलब मिल जाते हो, बास तुम्हारी जो सत्ता है वो नष्ट हो जाता है। पर भगवान जो रस स्वरूप, जो आनंद स्वरूप, जो प्रेम स्वरूप है, तो उसकी आनंद जीव को प्राप्त नहीं होता। उनका स्थिति कैसे, जैसे एक पत्थर जैसे पड़ा रहता है ना, सैन सीन होकर जैसे पत्थर पड़ा रहता है, जैसे शराब भी होता है ना, शराब पी करके बेहोश होकर पड़े रहते, ब्रह्म साधु जो ठीक है सही वहाँ पर एकदम अच्छे तो बेहोश होकर के पड़े रहते, और कुछ नहीं, जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कोई जो आनंद है वो आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हमें नरक जाना राजी है, लेकिन हमें मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसलिए श्री उद्धव जी हैं, जैसे उद्धव जी ज्ञान क्यों लेकर गए थे, उद्धव जी पहले सोच रहे थे, अरे ये ब्रज गोपियों को समझाना कोई बड़ी भारी बात है, ग्वालिनियाँ कंडा बिनती है, दधि मंत्र करती हैं, और वृंदावन जंगल में रहती है, मैं कौन हूँ, उद्धव जी कौन है? बृहस्पति के शिष्य। कहते कहते ये बृहस्पति, कहते शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम, कहते साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं वो उद्धव, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी थे, इसी पृथ्वी में उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं मिले, इसलिए उनको पढ़ने के लिए जाना पड़ा स्वर्ग में, और स्वर्ग में बृहस्पति को पास में लिख पढ़ करके आए, हैं, लिख पढ़ करके आए। इसलिए बोले उद्धव बुद्धि सत्तम, बुद्धि में बड़े तीव्र बुद्धि है उद्धव जी की, हैं, इसलिए बड़े उनका अभिमान का था, अरे गोपियों को तो चुटकी बजाते हुए हम समझा देंगे, ये कोई बड़ी भारी बात है थोड़ी गोपियों को समझाना। लेकिन जब उद्धव जी ब्रज में गए और ब्रजवासियों का प्रेम को देखा, और इनकी प्रेम की कोई था नहीं पाए, हाँ उद्धव जी जैसे उदाहरण दिया, जैसे एवरेस्ट, जैसे हिमालय पर्वत हो, सर पर कोई टोपी हो, अगर आप ऐसे देखें ना, गुरु जी बोलते थे ऐसे देखो, जो टोपी है ना क्या होता है वो नीचे पीछे गिर जाती है। कहते उनकी जो अभिमान की ज्ञान की जो टोपी पहन कर गए थे, जब उन्होंने गोपियों की प्रेम की राधा रानी के भाव को उन्होंने देखे ना, देखते 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 वाह उनकी ज्ञान भी है और गिर पड़ा,
इसलिए ब्रज में एक स्थान है, टोपी के साथ खुद गिर गए, हाँ बोले खुद गिर गए टोपी के साथ। इसलिए ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम ज्ञान दुगड़ी। ब्रज में मतलब जहाँ ज्ञान को टुकड़े टुकड़े करके जमुना ने बहा दिया, बास वो बहुत बहुत प्रयाग में चला गया। इसलिए कहते उद्ध शुद्ध है गए सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी और बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए बोले उद्ध शुद्ध है गयो, मतलब जो उद्धव है ना पूरा सीधा हो गए गोपियों की बोली सुनकर के। उदाहरण दिया ज्ञान बजाए डुगडुगी, डुगडुग जानते ना जो डुगडुग बजते, और प्रेम किया बोले ढोल, और जहाँ पर ढोल जोर से बजे और जो डुगडुगी डुगडुग किया है उसका आवाज वहाँ पर समा जाती है। इसलिए बोले ज्ञान बजाए डुगडुग और बाजे प्रेम की ढोल, इसलिए सारे सारे उनकी खत्म। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब उन्होंने बताया ज्ञान प्रयास मधुपास्य, ये तत्व ज्ञान और ये ब्रह्म ज्ञान, ये दो चीज को छोड़ करके कहते क्या करो संपूर्ण रूप में इसको त्याग दो। बोले नमंत एव जीवंती सन्मुख रीत अनुभवदी भक्ता, अरे करे क्या ये चीज को छोड़ दिए तो, बोले सन्मुख रीत भवदीय वार्ताम। कहते भवदीय मतलब होता है एक भगवान और एक भक्त, दोनों की कथा सुनना पड़ेगा कुल एक ही था। आप देखो कोई भगवान की कथा बोलो ना, भगवान के मगर भगवान का भक्त है ही नहीं। अगर कोई भक्त का कथा सुनाओ तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। ध्रुव जी की कथा सुनाओगे नारायण तो अपने आप आ जाएंगे। किसकी उपासना की, नारायण की उपासना की अपने आप। जैसे प्रहलाद महाराज की कथा सुनो अपने आप भगवान नरसिंह देव का कथा आएगा, खंभे से प्रकट हो गए प्रभु, निकल करके खंभे से प्रभु प्रकट हो गए। इसलिए आप कोई जैसे सबर की कथा सुनो राम की कथा अपने आप आ जाए, क्योंकि राम ने झूठे बेर खाए हैं, ठाकुर जी ने हैं झूठे बेर खाए हैं। इसलिए आप कहीं भी भगवान की कथा लो ना वहाँ पर तो भक्त आ जाएंगे, क्योंकि भक्त को छोड़कर भगवान पीछे है ही नहीं, और भक्त को छोड़कर भगवान नहीं, और भगवान को छोड़कर के भक्त नहीं, कोई किसको छोड़कर के अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं भवदीय, भवदीय मतलब होता है भक्त और भगवान, ये दोनों की कथा सुननी चाहिए है, ये दोनों की कथा सुननी चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण हरि बोल। कहते भवदीय वार्ताम, बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य, बंद कर दिया कहाँ से, कहाँ से बंद कर, वही पता है देख रहे। बोलिए हरि बोल हरे कृष्ण। बोले इसलिए बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य मधुपास्य नमंत एव जीवंती। यहाँ पर कहते हैं जीवंती, बोले जीवंती मतलब हरे कृष्ण। कहते जीवंती मतलब, कहते जीवंती मतलब है जैसे भगवान की कथा जीवन बन जाए। जैसे अगर एक टाइम तुम्हें रोटी नहीं मिले तब क्या बोले, हाय रोटी हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह नहीं देगा है। जब रोटी में इतने आनंद है तब भगवान की भक्ति में कितना आनंद होनी चाहिए। अगर रोटी के अंदर में एक टाइम रोटी नहीं मिले तो हम पागल हो जाते हैं, सारा दिन रोटी का मुंह नहीं देखा। अगर दो तीन दिन नहीं देखा ना बस राम नाम सत्य है। हाँ इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं भले जैसे हम अन्न ही हमारा जीवन है, रोटी हमारा जीवन है, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान को कथा को ही अपना जीवन बना ले, अगर एक दिन ही अगर कथा नहीं सुनना, जैसे एक दिन ही रोटी नहीं खा रहा आय रोटी करते हैं, उसी तरह जिसने ऐसे जीवन बना दे एक दिन अगर हम कथा नहीं सुनेंगे हैं, एक दिन अगर हम कथा नहीं सुनेंगे उसको ऐसे लगे आज तो सारा जीवन हमारा बेकार चला गया, आज सारा दिन भगवान की कथा ही सुनने को नहीं मिला हैं, ठाकुर जी की कथा ही नहीं सुने। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तस्मिन महान मुखरितम मधुविश्चरितम बोले तस्मिन महान मुखरितम मधुविश्चरितम शांत करो हरे कृष्ण। इसलिए बोले तस्मिन महान मुखरितम मधुविश्चरितम,
हरे कृष्णा हरि बोल। ठीक ठीक ताज विभक्त निपगार करने कर जो व्यक्ति भगवान की कथा को ताम्ज विभक्ति निपगार करने कर भगवान कथा को यहाँ पर क्या बताया तस्मिन महान मुकरितम मधु भी। पहले आप सुने ना कथा को सब अलग अलग नाम दिया। गोपियों ने कथा को क्या बताया अमृतम। कथा को क्या बताया अमृतम। श्री हमारे श्री हैं माता देव कपिल देव क्या बताए कथा को हृतिकर्ण रसायन हृदय और कान पर रस देने वाले। सुखदेव गोस्वामी क्या बताए बोले भव औषध चोत्र। सुत गोस्वामी क्या बताए बोले शराब मदिरा। ये मदिरा है और यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की कथा क्या है बोले मधु सहे हैं। भगवान की कथा ये सहेद है। तस्मीन महान मुखरितम बोले किसकी कथा सुननी चाहिए बोले महत मतलब साधु की मुखारविंद से ही भगवत कथा सुननी चाहिए। महत मधुवी चरित तांग जब पीवंत निपगार करने अगर वो कथा को जैसे कान रूपी दोड़े में जैसे कोई रस होता है जैसे कोई जूस हो हम क्या करें दोड़े में पीते हैं। देखो ये कान भी भगवान दोड़ा जैसे बना दिया बोले ये कान रूपी दोड़े में भगवान की कथा रूपी मधुओं को जो निपगार करने गाढ़ करने मतलब पास पीते रहो कथा को हाँ एकदम उसमें डूब जाओ। पी पी करके उस कथा में पूरा उसमें डूब जाओ। अगर ऐसे करोगे तो ताम निपगार करने ही उसके बाद में न स्पृशंति शोक मोह भय अपाय। अगर ये कथा कोई सुने ना क्या उसको फल क्या है बोले शोक मोह और भय ये जितने हैं तुम्हारी दुख कष्ट जन्म मृत्यु ये सब के सब समाप्त हो जाएगी। ये सारे को सारे समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहते जीवंती जीवंती मतलब होता है कथा को ही अपना जीवन बना दो। जैसे हम लोग संसार में बैठ करके नाती पोती दुनियादारी दुनिया का संसार का बात को हम बोलने लग जाते हैं। ये कथा सुनने से क्या होता है सारे माया के बंधन है। जितने संसार की कथा सुनोगे ना उतना ही दलदल में संसार की माया में फंस जाओगे। लेकिन हम लोग क्या नाती पोती अगर कोई तोतली पतली बोली बोले ना अरे ऐसे नाती ऐसे बोल रहा था क्या ऐसे वो तो बार-बार दोहराते रहते हैं हाँ उसको बार-बार दोहराते रहते हैं ऐसे बोल रहा था ऐसे जैसे पागल जैसे मुख पर। लेकिन ये सब चीज़ की आसत बंधन का कारण है। लेकिन यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन बना लो भगवान की कथा को। इसलिए जीवन सन्मुखरितम भवदीय वार्ता फिर क्या होता है भवदीय वार्ता इसके बाद में ज्ञाने प्रयास मृदुपास नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितम सुधिगता तनुवांग मनोभी जे प्रायस अजीत जीतो प्रलोक्यान। इसलिए वो अजीत होने पर भी वो जीत जाते हैं उनको तुम प्राप्त कर लेते हो। जब श्री राय रामानंद जी श्लोक बुलाना ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जब मैंने ये श्लोक बोले तब ये श्लोक क्या है पहले तो ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात बताए लेकिन ये जो श्लोक है ये ज्ञान मिश्रा नहीं ये ज्ञान से रहित ये भक्ति है। तो ज्ञान प्रयास मृदुपास्य ज्ञान संपूर्ण त्याग दो हाँ त्याग दो। जब उन्होंने ये बात को बताया ना तो महाप्रभु ने इसको सुन करके महाप्रभु ने बताया ये हाय अभी लाइन में आ गए पहले जो चल रहा था लाइन से तो बाहर चल रहा था लेकिन तुम कहाँ पर आ गए अभी तुम लाइन में आ गए। बोले लाइन में आ गए ऐसे क्यों बोले कारण है क्या बोले उसमें दो चीज़ें हैं विशेष करके। बोले पहला चीज़ है ज्ञान से अलग जो भक्ति की बात बताई और जो दूसरी बात बताई कहते साधु संग की बात बताई यहाँ है। यहाँ पर बोले साधु की मुखारविंद से काय मन और वाक्य से भगवान की कथाओं को सुनो। इसलिए शास्त्र ने बताया
बोले महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना आते। इसका मतलब है जब तक कि हम किसी महान संतों का संग नहीं करेंगे, महत व्यक्ति का कृपा नहीं मिलेगा, किसी तरह से भगवत भक्ति हमें मिल नहीं सकती, जब तक किसी महापुरुष का कृपा नहीं होगा। इसलिए श्री भरत महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं भरत महाराज, क्या कहते हैं बोले, क्या श्लोक है बोलो, क्या श्लोक है भरत महाराज के? हाँ, रघुगण न तपस्या न जाति न इजया निर्बाबनाम गृहात्वा नैव छंदस नैव जलाग्नि मिदा महत पदो रजो विशेषक। इसलिए भरत महाराज कहते हैं रघुगण न तपस्या, तो तपस्या से भगवान को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। न जाति, अगर कोई सोचे बहुत ऊंचे कुल में जन्म हो जाए हम भगवान को प्राप्त कर ले, बोले न जाति, बोले न इज्जया, अगर कोई बोले दिन रात पूजा पाठ करते रहेंगे हैं इससे भगवान मिल जाएंगे, बोले पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं बोले छंदासी, अगर कोई बोले दिन रात हम वेद पढ़ते रहेंगे हैं, वेद पढ़ पढ़ करके भगवान को पा लेंगे, बोले नहीं बोले छंदासी, बोले नहीं बोले जलाग्नि, कोई सोचे दिन रात जल अग्नि की पूजा हम करते रहे, बोले उससे भी भगवान मिलने वाले नहीं। बोले फिर अब तो सब चीज को ना 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 कर रहे हो, बोले हाँ मिलेंगे, बोले एक चीज को जरा, बोले बिना महत पदो रजो, बोले जब तक कि कोई व्यक्ति कोई महत पुरुष का चरण को आश्रय ग्रहण नहीं करता है, कोई महान संतों की चरणों को जब तक कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है, रघुगण श्री भरत महाराज के रघुगण किसी तरह से जो मति है ना कि भगवान के चरण में लगी नहीं सकती। इसलिए प्रहलाद महाराज भी यही बात बताए, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा ये तेरे बुद्धि को किसने बिगाड़ दिया, जो कुछ प्रश्न करता हूँ भगवान की भक्ति करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम लो, भगवान का पाद सेवन करो अर्चन, बोले तेरे बुद्धि को किसने बिगाड़ दिया, कहते राक्षस का बुद्धि है, अगर भगवान को भजन करें कोई बिगाड़ दिया तुम्हारी बुद्धि, कोई शराब पिए सिगरेट पिए वेरी गुड नाइस, मेरे बेटा बढ़िया रास्ता पर चल रहा है, दुनिया भी यही कहती है। हाँ, इसलिए दुनिया भी यही कहती है। इसलिए पहले एक हिरण्यकश्यप था, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, घर घर में हिरण्यकश्यप आ गए, गंदा काम कर तो बढ़िया मेरा बेटा जुआ खेलता है, हाँ सिनेमा जाता है, इसलिए सिगरेट फूकता है वेरी गुड, लेकिन अगर थोड़ी सी कंठी माला तिलक बोले कि कौन सा बीमारी लग गई, ये कोई भजन करने का कोई उम्र है, अभी से जब तिलक कंठी माला क्या धारण करें, रिटायर्ड लाइफ में जब किसी काम के नहीं रह जाओगे एक दो माला सटका लेना, अभी से जो तिलक कंठी माला तुम क्या सब कर रहे हो। इसलिए हिरण्यकश्यप जब पूछा तेरे बुद्धि को किसने बिगाड़ा, ये संध्या मत क्या तेरे बुद्धि को बिगाड़ दिए, जो गुरु जी का नाम क्या संध्या और अमर, इसका मतलब संध्या मतलब सांड, अमर का मतलब है बंदर, मतलब है जो गुरु मतलब क्या गुकार अंधकार रुकार तस्तनिरोधकम, गु मतलब होता है अंधकार, रु मतलब होता है आलोक, जो गुरुदेव हमारे हृदय की अज्ञान हुए अंधकार को नहीं हटा करके भगवान की दिव्य आलोक को संसार नहीं कर दे, कहते भैया वो गुरु नहीं, वो गुरु क्या है बोले संध्या और अमर, वो बंदर और साढ़ है, ये गुरु बोलने का लायक नहीं है, ये मना कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए तेरे गुरुजी हैं किसने संध्या अमर क्या तेरे बुद्धि को ऐसे घुमा दिए, तब से प्रहलाद महाराज के पिताजी नैसांग मति स्तावत उरु क्रमांग्री स्पिशार्थ अनर्थ अपगमं जदर्थ मही असाम निष्किंचन नाम न जावत, बोले पिताजी आप जो कह रहे हो ना ये संध्या अमर ने बुद्धि बदल के खुद का क्या बुद्धि बदला हुआ, वो खुद बुद्धि माया में लगा हुआ है, जिसका बुद्धि स्वयं माया में लगी हुई है वो हमारी बुद्धि को क्या बदलाएगा। इसलिए नैसांग मति स्तावत और क्रमांग्री
तब तक ये मति भगवान के चरण में नहीं लग सकती है। मई असाम निष्किंचन नाम न प्रिया, जब तो कोई निष्किंचन कोई साधु की शरण में नहीं जाते हो, ले दुनिया में जो कुछ कर लो, मन कभी भगवान की भक्ति में तुम्हारी लगी नहीं सकती है, हाँ लगी नहीं सकती। इसलिए भागवत में साधु संघ की बड़ी महिमा बताए। इसलिए स्वयं भगवान पृथु महाराज जब चतुसन घर में आए तभी उन्होंने भी साधु संघ की महिमा बताए। बोले तुलया मुलब नापी न स्वर्ग न अपूर्णर भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्याना किमुता शिष्य। ये भगवान स्वयं साधु संघ की महिमा करे हैं। बोले आज तक हमारे घर जीवन धन्य हो गया, घर जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? बोले आज हमारे घर में संत लोग आए, घर में आज भक्त लोग आए, हमारे घर में आज आए। इसलिए बोले तुल्याम लभनापी, मतलब अगर जीवन में एक लव साधु संघ हो जाए, एक लव कितना? बोले एक सेकंड को 11 भाग करो, एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का जो एकमा भाग है उसको एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर जीवन में साधु संघ हो जाए तो वो साधु संघ से इतना महान फल मिलेगा जिसको साथ में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इसलिए कहते स्वर्ग अपवर्ग जो सुख है कहते कि तरा ले आओ, तरा चुका एक तरफ में स्वर्ग से लेकर के अपवर्ग मतलब मुख्य, ये सुख को पूरा एक तरफ में रख लो और दूसरे तरफ में केवल साधु संघ का एक लव तत्फल तराजू का दूसरे तरफ में रख लो, उसको मिला करके भी तुम बराबर नहीं कर सकते जो सुख लव साधु संघ। साधु संघ की इतनी महिमा श्री साधु संघ की बताया गया है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है, भैया साधु संघ की इतनी महिमा क्यों है? इतने एक लव साधु संघ में कहते हैं इतने स्वर्ग अपवर्ग सुख है, स्वर्ग मुक्ति का सुख को भी बराबर नहीं कर सकते। बोले क्या कारण है, क्यों ये साधु संघ की इतने महिमा बताए, इसका कारण क्या है? हैं बोले इसका कारण बताए, कहते कृष्ण भक्ति री जन्म मूल है साधु संघ। कृष्ण भक्ति री जन्म मूल, कृष्ण भक्ति का जो जन्म और जो मूल है ना, कहाँ से? बोले ये साधु संघ से मिलता है। जैसे बीज हो, इसलिए भक्ति को एक लता के साथ में उदाहरण दिया। लता कब होगा? तो बीज होगा तभी तो लता होगा, बीज के बगैर लता कहाँ से हो सकती है? बीज अगर नहीं लता फिर कहाँ से होगा? बीज हो तभी तो लता बनेगी। इसलिए कहते वो बीज क्या है? बोले साधु संघ की कृपा से ही वो जो भक्ति लता की जो बीज जो श्रद्धा है, श्रद्धा को बताया बीज है, कहाँ से मिलेगा? ये साधु संघ से ही ये चीज प्राप्त होता, नहीं तो ये चीज कहीं से नहीं मिलती है। इसलिए कहते जीव की बात ही छोड़ दो, कहते हमारी बात छोड़ दो, भगवान खुद कहते हैं अनुब्रजामि अहम नित्यं पुए एत अंध रेणुहि। आप और हम तो जीव है, भगवान भी कहते हैं अगर मेरे को भी कहीं भक्ति मिलती है ना भक्तों से, मेरे को भी अगर कहीं भक्ति मिलती है ना, कभी मेरे पास में नहीं हो, भक्तों से मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं अनुप्रजा में अहम नित्यम, कहते भक्तों का पीछे 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 मैं चलता हूँ। बोले क्यों? बोले भक्तों का चरण धूलि सर पर गिरे और हम पवित्र हो जाए। बोले आप क्या अपवित्र हो गए? बोले हाँ मैं अपवित्र हो गया। बोले कैसे? बोले भक्तों लोग दिन भर मेरा सेवा करते हैं, दिन भर मेरी सेवा करते रहते हैं। अगर मैं भक्तों को पूछूं भैया कुछ लो, अगर मैं बोलूँगा ना भक्त लोग तुम इतनी सेवा कर रहे हो मेरे कुछ लो, भक्त क्या कहते हैं? बोले न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे अवतार भक्ति अहेतुकी तोय। अगर मैं भक्तों को बोलता हूँ कुछ लो, भक्त लोग तो कुछ लेते ही नहीं, कहते न धनम, प्रभु हमें धन नहीं चाहिए, मतलब न जन्म, मतलब हमें कोई परिवार नहीं चाहिए,
न सुंदरी, कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। बा जगदीश काम दुनिया की कोई भी वस्तु हमें जरूरत नहीं। मम जन्मन जन्मन स्वरे अर्थात भक्त, आपके चरण में ना हम जन्म जन्मा तब तक आपके चरण में हमारी भक्ति हो, आपके प्रेम ही हो। भक्त यही चाहते आपके चरण की सेवा दे दो। अगर कोई व्यक्ति आपका सेवा कर ही रहे हैं, अगर उसको कुछ देने के लिए चाहो फिर मांगे आपका चरण की फिर सेवा दो, तो फिर क्या होगा बताओ, हम इनके लिए। इसलिए भगवान कहते हैं इनसे ऋणी ले 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 करके ना मैं इतने ऋणी ग्रस्त हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ ये ऋणी से उऋणी कैसे बनूं, कैसे ऋणी से उऋणी बन सकता हूँ। बोले अगर किस तरह से हम भक्तों का चरण ले लें, भगवान कृष्ण सोचते हैं अगर भक्तों का कोई चरण तो ले ले अगर उऋणी हो गया हूँ। इसलिए लेकिन कोई भक्त भगवान का चरण मिल गया देगा, अगर कोई कोई भक्त भगवान को चरण धुले देगा कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए भगवान कहते हैं निर्भयम मुनिम शांतम, ऐसे जो साधु शुद्ध वैष्णव है उनका पीछे 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 चलता हूँ, क्योंकि इसलिए छुप छुप कर चलता हूँ, चलेंगे धुल तो उड़ेगा, उड़ेगा तो सर पर धुल पड़ी जाएगा, पड़ी जाएगा तो मैं भी हुए मैं भी पवित्र बन जाऊँगा। देखो ये साधु की चरण धुल में कितनी शक्ति है, अगर भगवान की कोई शुद्ध भक्त हो जाए ना इसमें इतने शक्ति है। भगवान तक भी कहते हैं मेरे को भक्तों का चरण धुल चाहिए। बोले कारण किया है, कहते एक तो है पवित्र बनने के लिए, जो दूसरा कारण जो बताया ना सबसे बढ़िया कारण बताया, अच्छे तरह से सुना। मैं कल सबको पूछूंगा तुमने क्या सुनी है, ठीक से मन लगा कर सुना। इसलिए भगवान क्यों भक्तों का चरण धुली क्यों चाहते हैं, कल सबको मैं पूछूंगा क्या क्या याद किया, ठीक है कल पर क्या तुम्हारी। इसलिए कारण क्या है क्यों भक्तों का चरण धुल चाहते, देखो इसका कारण। बोले इसके कारण बताए, बोले भगवान जो कृष्ण है ना वो विषय है, मतलब भगवान है। कहते भक्त क्या, बोले ये आश्रय। कहते भगवान कौन, बोले रस वैसा, भगवान रस स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है। लेकिन वो रस को कौन आस्वादन करते, बोले भक्त लोग आस्वादन करते। जैसे भगवान विषय भक्त हो गए आश्रय, जो आश्रय लेकर भक्ति आस्वादन करते हैं। लेकिन भगवान में जो रस है ना, इसलिए कृष्ण सोचते हैं मैं तो रस स्वरूप आनंद स्वरूप है, राधा रानी मेरे प्रेम रस का आस्वादन करती हैं। लेकिन राधा रानी को जितने मुझे जितने आनंद मिलता है और राधा रानी को मेरे से करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद मेरे को नहीं मिलता। जैसे रसगुल्ला है, अभी रसगुल्ला को थोड़ी बता रसगुल्ला भी क्या स्वाद है, जो खाते हैं उनको पता है रसगुल्ला भी क्या स्वाद है। इसलिए भगवान विषय होने पर भी उनमें क्या रस है भगवान को पता नहीं। अभी कृष्ण चाहते हैं वो रस का आस्वादन करें। बोले रसास्वादन कैसे कर सकते हैं, बोले भक्ति को दो। जब तक आपके अंदर में भक्ति नहीं होगी ना, भक्ति नहीं होगा तो भगवान का प्रेम को तुम आस्वादन नहीं कर सकते, केवल भक्ति को द्वारा आस्वादन कर सकते हो। अभी कृष्ण सोचते ही, बोले भैया भक्ति के बगैर तो आस्वादन नहीं कर सकते, अब ये भक्ति मुझे मिलेगा कहाँ, भक्ति कहाँ मिलेगा। जहाँ पर भक्ति हो वहीं पर जाओगे तब तो भक्ति मिलेगा, जहाँ पर भक्ति हो वहीं से तो भक्ति मिलेगा। बोले ये भक्ति कहाँ पर, बोले भक्तों के पास। बोले भक्ति तो भगवत भक्त संगे पर जाए, तो भक्ति केवल भक्तों का कृपा से ही भक्ति मिलेगी, नहीं तो और कहीं नहीं मिल सकती। तो भक्ति कहाँ पर है, बोले भक्तों के पास है भक्ति। और भक्तों के पास से कैसे मिलेगा, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बोले शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो बोला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मोला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो बोला। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन का जो अनुकूल है मतलब जो भक्ति मिलेगा कैसे, बोले शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुद्ध भक्तों का चरण धूलि से। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर किसको भगवान को प्रेम करना चाहते हो ना, जो तीन वस्तु है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तीन वस्तु को द्वारा जितने जल्दी भक्ति प्राप्त कर सकते हो और किसी को द्वारा इतने जल्दी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हो। बोले तीन वस्तु क्या है बताओ, तीन वस्तु क्या है विवेक पर बताओ, क्या तीन वस्तु है जिसको द्वारा जल्दी से जल्दी भक्ति मिलेगा, एक दो बता दो। हाँ और बता दो और हाँ, इससे याद करो, ऐसे नहीं कभी कथा सुनकर यहाँ जाओ और पल्ला झाड़ कर छोड़ जाओ यहाँ से, कथा सुनकर कुछ याद रखनी चाहिए, समझ रहे हो, कथा सुनकर कुछ याद रखो और ले करके साथ में जाओ, ऐसे नहीं कथा सुने हम कथा भी खत्म और हम भी खत्म हो गए। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हम याद रखते हैं जिसका कोई महत्व नहीं बल्कि बंधन है, लेकिन भगवान की कथा याद रखेंगे ना बड़ा पार हो जाएगा, समझ रहे कि इसलिए इस चीज को याद रखना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्त पद धूलि और भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष ऐति साधन, भगवत भक्ति पाने का जो साधन का सबसे जो बलवान है कद भक्त पद धूलि, याद रहेगा भक्तों का चरण धूलि, दूसरा भक्त चरणा चरणामृत और तीसरा उनको कथामृत व उनकी अधरामृत, कभी वो तीन चीज जितने जल्दी भगवत प्रेम को देता है दुनिया में कोई चीज भी इतने जल्दी नहीं देता। इसलिए नारद जी प्यास देव को कहते, बोले प्यास देव केवल श्री साधु का जो उचिष्ट, केवल मैंने उचिष्ट एक बार हमने खाया बस मेरे हृदय में भगवान के प्रति मेरे हृदय में अनुराग प्रकट हो गया, मेरी रुचि प्रकट हो गई, एक बार संतों का केवल प्रसाद पा करके हो। इसलिए ये तीन चीज में एक क्या है याद रहेगा कि नहीं, एक है भक्तों का चरण धूलि, इसलिए बोले शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तो शुद्ध भक्तों का जो चरण धूलि वो जितने प्रभु की भक्ति के अनुकूल है जितने जल्दी प्रभु का प्रेम पा सको नहीं पा सको, कहाँ से मिलता है एक चरण धूलि। इसलिए कृष्ण सोचते हैं भक्ति मिलेगा कैसे, भक्ति मिलकर भक्त का चरण धूलि से, इसलिए कृष्ण सोचते हैं जब भक्तों का पीछे 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 में चलूंगा चरण का धूल तो उड़ेगा ही, और वो चरण धूलि मेरे सर में जो पड़ेगा ना, भगवान कहते हुए एक मैं पवित्र हो जाऊंगा और उनकी चरण धूलि से भक्ति मिलेगी और भक्ति को द्वारा ही मैं ये भक्ति रस का आस्वादन कर सकता हूँ। और पूर्ण रूप में भक्ति कहाँ रहती है, बोले श्री राधा रानी के हृदय, इसलिए राधा रानी को बताया ये भक्ति देवी, बोले श्री राधा रानी की जय, जोर से जयकार लगा, सो रहे हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण आए, कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव अंगकार के दंडों के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, स्वयं कृष्ण होते हुए भी हा कृष्ण बोल करके राधा जी के भाव से दिन रात कृष्ण प्रेम में सराबत है। इसलिए यहाँ पर हाँ कहते यहाँ पर जब श्री राय रामानंद ने बताया सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ता, भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है भक्तों का संग से, भगवान की कथा से है, और अपना जीवन को क्या बनाओ सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम, जिसने भगवान को कथा ही अपना जीवन बना देता है, हमारा जीवन ही भगवान की कथा है, कहते प्राय सो अजीत, प्राय करके वो अजीत होने पर भी जिनको पाना बहुत ही कठिन है लेकिन प्राय करके अजीत होने पर भी वो जीत हो जाते हैं और भगवत प्राप्त हो जाता है, वास महाप्रभु सुन करके वास खुश हो, महाप्रभु प्रसन्न हो, वाह बढ़िया तुमने बात बताया, अभी तुमने लाइन पर आ गया है, पहले भी बाहर लाइन बाहर जा रहे थे, अभी तुमने लाइन के अंदर में आ गए, लेकिन लाइन के अंदर में तो आ गए हो, साधु संग करनी चाहिए लेकिन वो जो भक्ति है ना वो भक्ति एक तरह नहीं, भक्ति भी अलग अलग तरह है, एक शांत रस का भक्ति, एक दास्य रस का भक्ति, एक सत्य रस का भक्ति, एक वात्सल रस का भक्ति और एक मधुर श्रृंगार रस का भक्ति, भगवान को पांच रसों द्वारा भगवान की भक्ति की जाती है।
है भगवान, पांच रस तो द्वारा भक्ति की जाती है। इसलिए महाप्रभु बोले यह है, ये तो है, लेकिन आगे कहा उसको आगे और बात बताए। जब उन्होंने और आगे की बात बताए ना, तो उन्होंने फिर उन्होंने एक सुंदर उन्होंने श्लोक बोलते हैं, बोले नाना प्रचार कृतपो जनमात बंधो प्रेमैव भक्त हृदयम स्वभिद्रुतम श्याम जावत खुदस्ति जटरे जठ जरठ पिपासा ताबत सुखाय भवत ननु भक्त पेय। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, उनने उदाहरण दिया है जैसे भगवान की सेवा के लिए अपने बहुत तरह तरह का चीज को संग्रह किया है, धूप दीप नैवेद्य फूल अगुर चंदन कर्पूर दूध घत्ती घी दही तरह तरह का अपने भगवान की सेवा के लिए बहुत तरह तरह का सामान को तुमने इकट्ठे किए हो तरह तरह का, लेकिन सामान तो बहुत सारे इकट्ठे कर लिए लेकिन हृदय में उतना भक्ति नहीं, जितना सामान को इकट्ठा किया ना उतना हृदय में तुम्हारी भक्ति नहीं, उतना हृदय तुम्हारी भक्ति नहीं, फिर क्या होगा उसको बेकार। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मे भक्त्या प्रजति तद अहम भक्त उपढ़ी तस्नामी प्रजत आत्मन अर्जुन। इसलिए भगवान चार चीज का नाम लिया, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फल और पानी। भगवान चार चीज का नाम लिया है जो कि बिना पैसा में ज्यादा चीजें मिलती हैं, लेकिन कृष्ण एक बात बड़े ध्यान पूर्वक कहते हैं सावधानी पूर्वक, बोले भक्त उपहित असनामी तभी वो चीज को ग्रहण करता हूँ अगर भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक प्रदान करे। ये भक्ति मेन वस्तु श्री भक्ति, अगर भक्ति नहीं हुआ सारा दुनिया चीज को इकट्ठा कर दिया दिखाने के लिए लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं सब बेकार हो, लेकिन कोई ज्यादा चीज नहीं हृदय में भावना भक्ति भगवान उसको कुछ भी चीज दो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे भगवान बोलना सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई सबसे ऊँचे प्रेम सगाई। इसलिए सबसे ऊँची क्या प्रेम, प्रेम प्रेम सबसे ऊँची। इसलिए प्रभु दुर्योधन की मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई, प्रभु बोले झूठे मेरे सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए, ओ बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई। इसलिए बात झूठा बेर खा करके बोले स्वरी तेरी बेर में जो स्वाद आया ना वैकुंठ में भी मेरे को छापा ने बहुत छत्तीस व्यंजन बहुत स्वाद हमें नहीं आती है। इसलिए भगवान प्रेम की भगवान भूखे हैं, भगवान और किसी चीज भूखे नहीं। इसलिए महाप्रभु लीला में एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीधर, क्या नाम था श्रीधर, ये बहुत ही गरीब, उनका काम क्या था बंगाल में ना केले का एक फूल होता है इसको भी खाते हैं और केले का बीच में एक चीज होता है थोड़ उसको कहते उसको भी खाते हैं ट्यूबलाइट है, हाँ ट्यूबलाइट, इसलिए उसको भी खाते हैं और केले भी खाते हैं। केले का पेड़ किसी को नहीं छोड़ता, उसका पता बंगाल उड़ीसा में, अब पुरी में जाओ जगन्नाथपुरी में वहाँ जो खाना खाओ ना केले का पत्ते में उसको सबसे पवित्र मानी जाती है, जहाँ पुराने पुराने जगह थे वो केले का पत्ते में खाना खाए तो बड़ा तो बहुत पवित्र वस्तु है, एकदम सुंदर निर्मल होता है। इसलिए उसका सारी चीज सेवा में लगती ठाकुर की सेवा में, एक वो था श्रीधर वो वही केला ऊँचा थोड़ और ये लोकी साधारण चीज बेचता था, अब बेच कर क्या करता था कि उसमें जो प्रॉफिट मिलता था आधा तो गंगा पूजा करता है और जो आधा पैसा रह जाती थी उसी से ही अपना परिवार को मेंटेनेंस करता था। श्रीमन महाप्रभु वहाँ पर बड़े बड़े करोड़ अरब पति जो बेचने वाले थे
लेकिन महाप्रभु किसी को पास में नहीं जाते थे, महाप्रभु केवल ही श्रीधर को पास में जाते थे और बोलते देख बेटा सबसे बढ़िया चीज लूंगा, घटिया चीज नहीं लूंगा, लेकिन पैसा भी नहीं है। जो बोले तुम पैसा नहीं दोगे बढ़िया चीज लोगे मैं क्या करूंगा, बोले देख जिस गंगा को तुम पूजा करते है ना, वो गंगा मेरी दासी बोले राम 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 राम, उसको पता नहीं था कि भगवान है ना, वो तो सोचता साधारण बालक है, बोले राम राम राम, तुमको थोड़ी सी पाप में डर भी नहीं लगता था, गंगा मेरी दासी चरण से भी तुमको पता नहीं ना भाई कृष्ण ये है हैं। लेकिन महाप्रभु रोज रोज जा करके रोज रोज लड़ाई करते थे, अरे महाप्रभु रोज रोज इसको उसी का चीज सिखाया करते थे महाप्रभु रोज रोज। अरे महाप्रभु बोलते थे हैं, महाप्रभु आधा से परिवार मेंटेन करता, ठाकुर का सेवा पूजा करता हूँ, और मेरे साथ में रोज लड़ाई रोज लड़ाई। लास्ट में बोले भैया इससे कौन लड़ेगा, भैया आप बढ़िया चीज के लिए और कोई पैसा यह आगे यह बाज्य अपने बाहर आगे कहवा। फिर महाप्रभु आगे की बात पूछते हैं, फिर हम जब फिर मैं दूसरा बार आऊँगा ना, इसलिए फिर शांति महाराज आपको सुनाते रहेंगे रोज रोज ब्रजमंडल परिक्रमा, आपको नहीं बैठा बिठा करके आपको ब्रज की रोज रोज कथा सुनाएंगे ब्रजमंडल परिक्रमा से, और महाराज